Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा आज तक, जैसे होता है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, इवन ऑड, मतलब बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। और दोस्तों, हम नंबर का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को काउंट कर सकें, ठीक है। लेकिन हम आज जो नंबर सिस्टम की बात करेंगे वो हमारा नंबर सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर, ऑड, इवन, ये सारे नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे उससे कुछ अलग, ठीक है। तो जैसे दोस्तों, हमें सबको पता है कि जो हमारी संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, जीरो से लेकर के कहाँ तक होते हैं, नाइन तक, यानी कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डैश 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 नाइन तक की संख्याएँ हमारे पास होती हैं। और इन्हीं संख्याओं से मिलकर हमारे अरबों खरबों की संख्याएँ क्या होती हैं, बनाई जाती हैं। दोस्तों, हम आज जो संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें हम कंप्यूटर की भाषा में पढ़ेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा केवल दो ही लैंग्वेज को स्टडी करता है, ठीक है। एक को वो स्टडी करता है जीरो के फॉर्म में और एक को वो वन के फॉर्म में। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता होता है। हम जो कुछ भी उसे इनपुट देते हैं वो हमें कैलकुलेट करता है जीरो और वन के फॉर्म में। अगर हम उसे ए लिख के भी देंगे तब भी वो जीरो और वन के फॉर्म में उसे क्या करेगा, कैलकुलेट करता है, ठीक है। और दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं और हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, बहुत सारे नंबर जो होते हैं, और इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर में जो होते हैं हमारे पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, ये हमारे तीनों नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स में ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे माइनस वन, माइनस टू, डैश 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 जीरो, ठीक है। जीरो भी हमारा क्या है, एक इंटीजर्स नंबर है। उसके बाद प्लस वन, प्लस टू, ये हमारे सब क्या है, ये यानी कि जिस नंबर्स में हमको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन मिलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक चीज़ और, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 125, यानी कि 125.49, क्लियर है। दोस्तों, जो हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, इंटीजर पार्ट है, ठीक है। और यह जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको, हम रेडिक्स पॉइंट, क्या बोलते हैं, रेडिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में दशमलव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट, ठीक है। रेडिक्स पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या करता है, यह इंटीजर को और जो हमारी ये डेसिमल वाली संख्याएँ आती है उसको यह अलग करता है। यानी कि ये जो हमारी संख्याएँ हैं इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बटे के फॉर्म में, ठीक है, अपॉन के फॉर्म में, यानी कि ये संख्या हमारी अलग हो जाती है और ये संख्या हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो जो हमारा नंबर सिस्टम होगा यहाँ पे, वो नंबर सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होंगे, चार प्रकार के हम देखने को मिलता है। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड जो होता है वो हमारा होता है ऑक्टल, OCTAL, ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड जो हमारा फोर्थ होता है वो होता है हमारा हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों, हम इसको एक एक करके समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है। तो सबसे हम बात करते हैं पहले, किसकी बात करते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम की, इसकी बात करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम, दोस्तों जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो हमारी जो सामान्य हमारे नंबर्स होते हैं,
जो हमारे सामान्य नंबर होते हैं उनके जो हमारे समूह होते हैं यानी उनके ग्रुप को हम मिला करके हम बोलते हैं उन्हें डेसिमल संख्याएं, ठीक है, डेसिमल। और एक चीज़ और, हम जो डेसिमल होता है इसका जो बेस होता है उसको हम नोट करते हैं किससे, 10 से। डेसिमल को हम किससे डिनोट करते हैं, 10 से, ठीक है। वो इसलिए हम करते हैं, डेसिमल को हम 10 से डिनोट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, डेसिमल संख्या होती हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं तो हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। दोस्तों अगर हमें काउंट करें तो टोटल हमारे 10 होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है हमारी, 10 है दोस्तों। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेसिमल संख्या कहते हैं, क्योंकि इसमें जो संख्याएं होती है हमारी 0 से लेकर 9 तक होती हैं, ऐसा टोटल संख्याओं की जो संख्या होती है हमारी कितनी होती हैं, 10 होती हैं, और इसीलिए इसे हम इसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। दोस्तों जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो हमारे जो डेली की जो हमारी भाषाएँ होती हैं, जो डेली हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 255, मेरे पास 200 रुपये है, कितना है, 200 रुपया है, 1000 रुपया है, 1500 रुपये है, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं जो हम डेली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे किस में हैं, डेसिमल में हैं, ठीक है। जो कुछ भी हम बोलते हैं 10, 12, 15, 20, 25, ठीक है, वो हमारी सारी की सारी जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, हमारी डेसिमल में होती हैं। इसलिए दोस्तों डेसिमल जो संख्या होती है इसकी वैल्यू हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे डेली यूज होने वाली संख्याएं हैं, ठीक है। और जो हमारी इसमें जो हमारी जो वैल्यू होती है, जो हमारी पॉइंट होता है, ठीक है, यानी जो रेडिक्स पॉइंट है उसके बाद जो हमारी संख्याएँ होती हैं, ठीक है, वो दशमलव के इस साइड लिखी जाती हैं, और जो हमारी ओरिजिनल संख्याएँ होती हैं जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं 10, 20, 15, 50, वो हमारी इस साइड लिखी जाती हैं। इस साइड मतलब ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट साइड, ठीक है। दशमलव के बाद जो हमारी संख्याएँ लिखी जाती हैं, ठीक है, दशमलव के बाद यानी कि राइट साइड जो हमारी संख्याएँ लिखी जाती हैं उन्हें स्थानीय मान जो होते हैं वो हमारे क्रम से इस फॉर्म में होते हैं, जैसे होता है हमारा 1/10, 1/100, 1/1000, --। लेकिन अगर वही हम इधर लेफ्ट साइड की तरफ लिखते हैं तो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है 2×10^1, 2×10^2, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, उसके फॉर्म में अगर हमारी वैल्यू लिखी जाती है तो वो हमारे दशमलव के लेफ्ट की तरफ लिखी जाती हैं, और अगर दशमलव के बाद हमारी संख्या लिखी जाती है तो उसको अपॉन के फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी कि 1/10 के फॉर्म में, 1/100, 1/1000, क्लियर है। दोस्तों जान लेते हैं हम कि जो डेसिमल संख्या होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये हो गया 25.10, ठीक है, 25.10 हो गया, और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, और यहाँ पे जो बेस है उसको हम लिख दिए 10। जब बेस इसका 10 होगा यानी कि जो संख्या है वो किस में है, हमारी डेसिमल के फॉर्म में है। जब भी बेस हमारा 10 होगा, जब भी बेस हमारा 10 होगा तो ये जो संख्या है वो हमारी किस में हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो दोस्तों इसे लिखना कैसे है, जो हमारी दशमलव के इस साइड की संख्या यानी कि जो लेफ्ट साइड में है और जो दशमलव के दाहिने साइड में है, तो सबसे पहले हम दशमलव के जो लेफ्ट साइड में है उसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, इसको हम इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा है 2525, तो सबसे पहले हम स्टार्ट किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे और इधर की तरफ बढ़ेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे इधर की तरफ बढ़ेंगे, और दशमलव के बाद जब लिखना होगा तो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इधर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। दोस्तों इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसका होता है, 10^ के होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो बेस है वो 10 है, इसलिए इस संख्या में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा 10^ के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 5, तो 5 हमारा जो है पहले स्थान पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 10^0। अगेन आगे हम बढ़ते हैं, लिखते हैं प्लस, फिर 2 है, 2×10^1, पहले स्थान, ठीक है, दूसरे स्थान पे है।
इसी तरह अगर कोई और संख्याएं होंगी तो हम इधर क्या करेंगे, इसको प्लस करके बढ़ाते चले जाएंगे। अब हमारी बारी आती है किसकी, दशमलव की, ठीक है। तो दशमलव की जो संख्या जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया इसका, अब इसका जो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम पॉइंट वाले का लिखते हैं, तो पॉइंट का हम जब लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/10, ठीक है। और ये जो 1 है इसको हम लिखेंगे 1 × 1/10, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना है, क्लियर है, 0 × 1/100, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर की संख्या हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएंगी। और दोस्तों जो हमें पता है, ये चीज़ें पता होती हैं कि अगर हम इसको दशमलव के इस साइड लिखते हैं तो ये हमारे माइनस के टर्म में आ जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻¹, लिख सकते हैं। प्लस 0 × 1/10 किसका स्क्वायर होता है, 100 जो होता है वो हमारा 10 का पावर होता है। तो जब 10 का पावर हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो ये हो जाता है हमारा 10⁻², ठीक है। तो हम जो संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे। अगर हमें एक साथ लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 × 10⁻¹ प्लस 5 × 10⁻₀, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद हम लिखेंगे 1 × 10⁻¹ प्लस 0 × 10⁻²। इसी तरह की और संख्याएं होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻³, 10⁻⁴, 10⁻⁶, 5, जितना भी होगा हमारा इधर की तरफ जो संख्याएं होंगी, जो हमारी इस साइड की जो संख्याएं होंगी वो हमारे निगेटिव के स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेंगी, और इस तरफ जो हमारी संख्याएं होंगी वो हमारे पॉजिटिव स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेंगी, सॉरी पॉजिटिव पावर के फॉर्म में बढ़ेंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी संख्या होती है, ठीक है, जो हमारी संख्याएं होती हैं उसमें हम चार चीज़ें हमेशा करते ही करते हैं, एक प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा जो है वो हमारा हो गया मल्टीप्लाई, एंड जो लास्ट होता है वो हमारा क्या होता है, डिवीजन। यानी कि किसी संख्या को जो होते हैं हमारे चार भाग होते हैं, जैसे हम जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। लेकिन ये जो हमारे नियम है, ठीक है, इसको दो भाग होते हैं, एक जो होता है वो हमारा होता है इंटीजर, कौन सा होता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक भाग, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल यानी कि जिसको हम भिन्नात्मक बोलते हैं, ठीक है, भिन्नात्मक भाग, ठीक है। दोस्तों जो हम इंटीजर पार्ट लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं जिसमें हम दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है यानी कि वो इंटीजर पार्ट है, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो जीरो हो, ठीक है, ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया। और फ्रैक्शन पार्ट का मतलब हम आपको पता ही है कि बटा के फॉर्म में, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं वो हमारा होता है भिन्नात्मक पार्ट, या अगर हम दशमलव के रूप में लिखें हम तो भी हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल, फिर फ्रैक्शन पार्ट कहलाता है। जैसे एक्स एक्स हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और जो हमारा सामान्य होता है पूर्णांक 0, 1, 2, 3 डैश, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, यानी कि इंटीजर पार्ट हो गए। दोस्तों सब मान लेते हैं कि अगर हमारे किसी संख्या जो है, जो हमारी किसी संख्या, जो हमारी नंबर्स हैं उसमें हमारे इंटीजर्स कितने हैं, एन है, इंटीजर की जो संख्या कितनी है वो एन है, स्मॉल एन, यानी कि इंटीजर्स की संख्या हमारी कितनी है, एन। और जो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे कितने हैं, वो है हमारा स्मॉल एम, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल एन से, ठीक है। और जो हमारा रेडिक्स पॉइंट होता है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव, जिसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव, लेकिन हम इस यहाँ पे हम इसका बोलेंगे क्या, रेडिक्स पॉइंट। और यही जो रेडिक्स पॉइंट है वो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी टोटल संख्या लिखी जाती है उसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो एक फॉर्मूला तैयार होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एन बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारा डी एन माइनस वन, डी एन माइनस टू, डी एन माइनस थ्री, डैश डी जीरो डॉट, ठीक है, ये डॉट है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडिक्स पॉइंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट। और इधर हम क्या लिखेंगे,
डी माइनस वन, डी माइनस टू, डी माइनस थ्री, डैश डैश डैश, डी माइनस एम। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डी माइनस एम तक। ठीक है, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा पॉइंट बिंदु, जिसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है, एक नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर की संख्या है। ये हमारा क्या है, रेडिक्स है या फिर नंबर सिस्टम का आधार है, क्या है, बेस ऑफ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो डी एन माइनस वन है, डी एन माइनस वन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, मोस्ट, एम ओ एस टी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या फिर एम एस डी, इसको कहीं कहीं पर बिट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है एम एस बी। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी डी माइनस एम, डी माइनस एम, तो इसको हम बोलते हैं एल एस डी, यानी कि लीस्ट, एल ई एस टी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि LSD। ठीक है, इसको हम बोलते हैं LSD और इसको बोलते हैं MSD। MSD का मतलब होता है हायर डिजिट, और जो हमारे LSD का मतलब होता है वो होता है हमारा लोअर डिजिट। ठीक है, LSD का मतलब क्या होता है, हमारा लोअर डिजिट, और MSD का मतलब होता है हायर डिजिट। MSD का मतलब क्या होता है, हायर डिजिट, और LSD का मतलब होता है लोअर डिजिट। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे कि इसे लिखना कैसे है, तो इसे हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में बना लेते हैं। तो इसका जो एक फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हमारा जो है नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर हमारा गिवन रहेगा, ठीक है, जो भी नंबर हमारा गिवन रहेगा, चाहे उसमें वो रेडिक्स पॉइंट के साथ हो या फिर विदाउट रेडिक्स के हो, ठीक है, वो नंबर ब्रैकेट क्लोज इंटू बेस, जो भी हमारा बेस होगा, अगर रेडिक्स है तब भी, नहीं है तब भी, बेस जो भी होगा हमारा डेसिमल के फॉर्म में, तो यहाँ पर बेस क्या होगा, 10 होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे बड़ी नंबर, जैसे मान लो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे 512, ठीक है, तो सबसे पहले कितने स्थान पे, 012, यानी कि दूसरे स्थान पे, 10^0 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं इसको 5×10^2 +1×10^1 +2×10^0, ये लिख सकते हैं ना। तो उसी के आधार पे हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाता है डी एन माइनस वन ब्रैकेट में BN-1। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे नंबर की संख्या है, जैसे मान लो 1, 2, 3 नंबर है ना, 1, 2 और 3 नंबर है, 512 में 3 नंबर है, 3 डिजिट है, ठीक है, तो 3 डिजिट यानी कि यहाँ पे जो स्मॉल n है वो हमारे डिजिट हो जाएगा। तो उस डिजिट में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट होती जाएगी कि कौन सा जो इसका पावर होगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से पहले 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 10^2। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस DN-2, अगर 2 हम माइनस करेंगे, यानी कि D3-2, यानी कि D^1, यानी कि 10^1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B, यानी कि जो बेस है 10N-2 +DN-3 BN-3, यानी दोस्तों जो हमारा ये बेस है और ये जो हमारा पावर है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। क्लियर है, और इसी तरह से हो जाएगा हमारा डैश डैश डैश, बढ़ते चले जाएंगे, अगर इसमें नंबर की संख्या जितनी भी होगी उतने नंबर हमारे क्या होंगे, ये बढ़ते हुए चले जाएंगे, +D0N^0। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हमारा जो वैल्यू होगी D-1, यानी पहला बेस, यानी कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कोई दशमलव पार्ट है, ये जैसे 10^12 है, तो इधर से हम बढ़ेंगे तो पहला स्थान पे क्या है, -1, यानी कि पहले स्थान पे है तो -1, बेस हमारा क्या है B-1, यानी कि 10^-1 +D-2, यानी कि ये दूसरा जो पोजिशन होगा इसका, दूसरा वाला, तो -2, ठीक है, -2। इसी तरह क्या होगा, ये बढ़ते हुए चले जाएंगे कहाँ तक, m नंबर तक, जितने भी नंबर्स होंगे उसमें
वहाँ तक, तो यहाँ पे हो जाएगा d माइनस एम और b माइनस एम। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है हमारा डेसिमल संख्या को व्यक्त करने का एक फॉर्मूला होता है और एक तरीका होता है, और इसी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम डेसिमल संख्या को हम क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं कि डेसिमल संख्या जो होती है हमारी कैसे परिवर्तित होती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर वन, ये क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 3, किसमें है, यह डेसिमल में है। चलिए इसको हम करके देखते हैं, क्या इसमें रेडिक्स पॉइंट है, दशमलव है, दशमलव इसमें नहीं है, दशमलव नहीं है तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि डी जीरो की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, डी वन की वैल्यू कितनी है, 2 है। डी थ्री की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, इसी तरह हम वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁻⁰ प्लस 4, यानी कि 4 × 10⁻¹ और 2 × 10⁻²। ठीक, इज इक्वल टू, दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 10⁻⁰ का मतलब कितना होता है, 1, यानी कि 3 10⁻⁰ यानी कि 10 × 4 बराबर हो जाएगा 40, और इसका होता है हमारा 100, 10⁻² का मतलब 100 × 2 ये बराबर हो जाएगा 200 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 240 + 3 यानी कि हो जाएगा 243, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया डेसिमल में। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, 52 को, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻⁰ प्लस 0 × 10⁻⁰ कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 500, यहाँ पे हो जाएगा 500, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52, यानी कि हो जाएगा 520। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये केवल हमारा जो है अभी डेसिमल को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं कि डेसिमल का बाइनरी में या फिर बाइनरी का डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। सिर्फ और सिर्फ हम ये बता रहे हैं आपको कि हमारा जो ये जो हमारा डेसिमल है ये किस तरह से लिखा जाएगा, ताकि लिखने में अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अब क्या होगा कि इसे कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरह हम देखते हैं ये 12.15, इसको हम कैसे लिखेंगे, 12.15 को हम लिख सकते हैं, पहले हमारा ये दशमलव के दो ही स्थान तक है, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 10⁻¹ प्लस 2 × 10⁻⁰ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁻¹ प्लस 5 × 10⁻⁻²। ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 10, यानी कि ये हो गया हमारा कितना, 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 12 पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा 1/10, तो 1/10 हो गया प्लस 5/1/100। ठीक है दोस्तों, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 5 = 15/100, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.15। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12.15, किस में है, ये डेसिमल में है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं डेसिमल का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारी बाइनरी नंबर होती है वो क्या होती है, और हम आपको बताएंगे कि डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा कन्वर्जन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्सा नंबर। ठीक है, यानी कि हेक्सा डेसिमल नंबर। दोस्तों यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, पहले जो हमारा बाइनरी नंबर होता है वो किस में चेंज होगा, वो हमारा चेंज होगा डेसिमल में, यानी कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से
डेसिमल, क्लियर है। जो हमारा बाइनरी नंबर है वो चेंज होगा किसमें, ऑक्टल में, यानी कि ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। फिर जो हमारा बाइनरी नंबर है वो चेंज होता है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्सा जो होगा वो हमारा बाइनरी में चेंज होगा और बाइनरी से हेक्सा में होगा, क्लियर है। इसी प्रकार से हमारा जो ऑक्टल नंबर है वो हमारा किसमें चेंज होगा, डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल में। इसी तरह से हमारा जो डेसिमल है वो हेक्सा में होगा और हेक्सा से डेसिमल में होगा, दोनों कन्वर्जन इधर से भी इधर से, ठीक है। तो ये जो है हमारे इतने सारे कन्वर्जन हम क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमारे याद करने के लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, एक तरीका हो जाता है कि हमें इतने नंबर कन्वर्जन क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। तो दोस्तों हेक्सा को हम डिनोट करते हैं 16 से, डेसिमल को हम डिनोट करते हैं 10 से, ऑक्टल को हम बेस 8 से और बाइनरी को बेस 2 से, क्लियर है। दोस्तों हम एक एक करके सारी वीडियो आपको अपलोड करते जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।